ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एनसीईआरटी के पेपर में ये कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम और कुछ सैम्पल पेपर की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पहली प्रॉब्लम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, FO पता है, एंड आईपीस की फोकल लेंथ FE पता है, ट्यूब लेंथ L पता है, तो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज कहां पर है, नियर पॉइंट ऑफ आई, बाई डिफॉल्ट नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है 25। तो इसमें ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, जिसमें और कुछ गिवन ही नहीं है, ना यू ओ ना वी ओ, कुछ भी नहीं गिवन, तो लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये सारे वैल्यूज हमें पता है, एल एफ ओ डी और एफ ई सॉल्व करके 270 क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। आज हमने किया था आंसर, 270 ही आया था। असली क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी वाले बहुत पूछते हैं, तो इसे प्लीज एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, और मैं तो अपने टेस्ट में पक्का दूंगा। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो, आपको क्या गिवन है, लेंस गिवन है, पावर गिवन है और अपर्चर गिवन है, डायमीटर कितना अपर्चर है उसका। तो चार लेंस गिवन है ए बी सी डी, तो चारों लेंस की पावर गिवन है, बहुत ज्यादा पावर है, कम है और बिल्कुल कम है, अपर्चर आप देख लो 0.02 है, 0.02 बढ़ गया, 0.05 और 0.1 मीटर है, तो अलग अलग ओपनिंग है, अलग अलग अपर्चर है, अलग अलग पावर या फोकल लेंथ है। अब क्वेश्चन है कि बताओ आप क्या बनाना चाहते हो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अंडरलाइन करो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए क्या प्रेफर करोगे, कौन सा लेंस प्रेफर करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीस को क्या प्रेफर करोगे कि जो आईपीस बने, और ऑब्जेक्टिव को क्या प्रेफर करोगे, कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव बने एबीसीडी में से और कौन सा आईपीस बने। तो हाईलाइट करो अपने असाइनमेंट के अंदर या अंडरलाइन करो, फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे हाईलाइट करो, फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है, वी प्रेफर अ लेंस ऑफ लीस्ट पॉसिबल फोकल लेंथ, तो इंपॉर्टेंट है, तो हम कौन सा क्या चूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी, यानी कि पावर क्या होगी, मैक्सिमम, तो लीस्ट फोकल लेंथ किसकी है, जिसकी पावर मैक्सिमम है, एंड लीस्ट अपर्चर, अपर्चर भी लीस्ट प्रेफर करेंगे, कम से कम होना चाहिए, तो अपर्चर सबसे कम 0.02 में ही चल रहा है, तो कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे, ए लेंस प्रेफर करेंगे। तो कंडीशन क्लियर हो गई, ये कंडीशन नहीं पता आंसर नहीं आ पाएगा आपका। अब बात करते हैं आईपीस की, फॉर अंडरलाइन करो, आई लेंस वी प्रेफर लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, उसने ये नहीं कहा लीस्ट फोकल लेंथ, उसने कहा स्मॉल फोकल लेंथ, लीस्ट दोनों लीस्ट नहीं हो सकते ना, दोनों की फोकल लेंथ सेम कैसी होगी, एक बड़ी एक छोटी तो होगी होगी, तो कम फोकल लेंथ है बट विद अ बिगर अपर्चर, आई पीस का लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा है, तो सेम अपर्चर का जो क्वेश्चन है वो तो क्या ही होगा, इसमें थोड़ा सा अपर्चर तो बड़ा करना ही पड़ेगा, फोकल लेंथ में एडजस्ट कर देंगे कोई बात नहीं, अभी भी लीस्ट ही है, कम ही है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, तो लेंस नंबर क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, थोड़ा सा अपर्चर तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आई लेंस का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा है, सेम नहीं हो सकता साइज में, तो समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देना है, ना कर रखा हो ना, देखो आप बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाओगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भी और न्यूमेरिकल की भी, तुक्के तो मार ही लोगे, उसमें तो क्या ही दिक्कत है, अब एग्जैक्ट आंसर पता है क्या करना है, इसीलिए प्रीवियस ईयर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि एग्जैक्टली पेपर आता क्या है, चाहे बोर्ड का, चाहे नीट का, चाहे मेंस का, हमेशा करना चाहिए, और एडवांस की तैयारी जो करते हैं उनको एडवांस के एंड में, जब मेंस क्लियर हो जाता है तो उसमें जब टाइम बचता है फिर एडवांस के पुराने पेपर किए जाते हैं, उससे आइडिया होता है कि एग्जैक्टली आता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता फिर आ गया, फिर देखो, तो यूजिंग
डेटा गिवन बिलो, फिर से आपको कुछ लेंसेज गिवन है, कौन सा लेंस प्रेफर करोगे आईपीस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या बनाना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस बार माइक्रोस्कोप नहीं बनाना, इस बार टेलीस्कोप बनाना है। तो फिर नोट करते हैं फिर से टेलीस्कोप की कंडीशन, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शुड हैव हाईएस्ट फोकल लेंथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लोएस्ट फोकल लेंथ, इसमें हाईएस्ट फोकल लेंथ, हाईएस्ट फोकल लेंथ का मतलब पावर मिनिमम होनी चाहिए, सबसे कम पावर किसकी है 1D, तो L1 आ गया आंसर, ये तो फोकल लेंथ से क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। एज वेल एज अपर्चर, वो कह रहा है कि हाईएस्ट अपर्चर भी इसका बड़ा होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का लेंस ना टेलीस्कोप में बड़ा होता है और आईपीस का छोटा होता है, तो अपर्चर इसका बड़ा है और फोकल लेंस इसकी क्या है, हाईएस्ट है, बड़ी होती है। अब आईपीस की बात करते हैं, आईपीस ऑफ टेलीस्कोप शुड हैव लीस्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, जो ऑब्जेक्ट जो आपका आईपीस है उसका, वो कह रहा है कि अपर्चर थोड़ा सा छोटा है और इसमें क्या है, लीस्ट फोकल लेंथ है, तो इसके अंदर फोकल लेंथ लीस्ट का मतलब पावर जिसकी क्या है सबसे ज्यादा है, L4 है और अपर्चर की वैल्यू भी छोटी है थोड़ी सी, सेम अपर्चर नहीं होगा ना, तो आंसर है। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसका आंसर देना है, ठीक है यहां तक। ऐसा क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आ जाता है, ए पार्ट जैसे डायग्राम पूछ लेगा और बी पार्ट में न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कर लो न्यूमेरिकल। क्या आंसर है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन 30 टाइम्स है, इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर, तो एफ ओ पता है, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5, यानी कि एफ ई पता है। हाउ विल यू सेट अप कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन? अब सेटअप का मतलब क्या है भाई, आपको ट्यूब की लेंथ भी बतानी है कि एक्चुअल में जो लेंसेज हैं उनके बीच में दूरी क्या है, तो उसे बोलते हैं सेटअप किया आपने, कि दो लेंसेज आर सेट एट इतने मीटर अपार्ट, इसे बोलते हैं सेटिंग करना, तो लेंस को सेट आपने करना है, तो आपको दोनों में दूरी बतानी है, दोनों में दूरी होती क्या है, यहां से यहां क्या है VO और यहां से यहां क्या है UE, तो VO प्लस UE निकालना है, ठीक है। तब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपको कैपिटल D पता है और फोकल लेंथ आईपीस की पता है, तो आप सिर्फ आईपीस के लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लें सिर्फ आईपीस के लिए, और यहां से मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकाल लें। उसका रीजन है क्योंकि आपको टोटल मैग्निफिकेशन पता है 30, आईपीस की आपने आईपीस से निकाल ली, तो यहां से किसकी आ गई, ऑब्जेक्टिव की भी आ गई। अब आपको सारी मैग्निफिकेशन पता लगी, टोटल मैग्निफिकेशन पता लगी, आपको
आईपीस की पता लगी, आपको ऑब्जेक्टिव की पता लग गई। ठीक, अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है एक वैल्यू वीओ ढूंढनी है और एक यूई ढूंढनी है। वीओ के लिए काम करते हैं आप, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की आपके पास है, इसको छोड़ दें प्लीज, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है आपको, इसमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की मालूम है एफ ओ। अब लेंस के फॉर्मूले याद करो, लेंस के क्वेश्चन किए थे, अगर आपको फोकल लेंथ दूं और यू पूछूं तो आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, एम इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू वाला फॉर्मूला जो करते हो, तो वहां से सॉल्व करके आप यू निकाल लेना, यू ओ आ जाएगा। तो देखो फोकल लेंथ पता है एफ ओ, एम ओ पता है, वहां से यू ओ आ जाएगा, यू ओ सॉल्व करके आएगा 1.5, वी ओ आ जाएगा, यू ओ आ जाएगा, वहां से वी ओ भी आ जाएगा 7.5, तब आपके पास क्या आ गया, वी ओ की वैल्यू आ गई। तो वी ओ की वैल्यू आ गई, रादर यू ओ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा वी ओ निकाल देना, आपके पास फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन वी निकालना तो आपको आता ही है लेंस के अंदर, आप सीधा वी ओ निकाल देना, वी ओ आ गया। अब आपको चाहिए यू ई। अब मैग्निफिकेशन आई पीस की क्या है, इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इमेज आपको पता है डी पे बननी है 25 सेंटीमीटर पे, मैग्निफिकेशन आपको पता है यहाँ से यू ई आ गया, तो एक तरफ से यू ई आ गया, एक तरफ से वी ओ आ गया, दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, क्लियर है? तो अलग अलग तरीके हैं, जरूरी नहीं कि मैग्निफिकेशन ये यूज होगा, मैग्निफिकेशन में ये फॉर्मूला भी यूज होता है कभी कभी, अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि लेंस के नॉर्मल रिजल्ट तो लगने ही लगने हैं, अगर उससे आंसर आता है उससे कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता सेम क्वेश्चन, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का सेम, देखो हर बार आए हुए, कितनी बार आए हुए हैं, बस वैल्यू चेंज करी जा रहे हैं, क्वेश्चन वही टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का पूछी जा रहे हैं, तो ये असाइनमेंट होगा कि आपकी, ये आपने करनी है ट्राई सारी। ठीक है,